ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلامنا وأشرفنا سبحان الله سبحان الله ونور عيننا وملجانا ومآوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله برادران ملة إسلامية آج کی اس پرنور محفل میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنے لیے موضوع سخن بنایا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سلام و سلام علیکم رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ برادران ملت اسلامیہ ڈھلتی ہوئی شب ہے لیکن محفل میں شریک ہونے والے رات ڈھل رہی ہے پر آپ لمحہ بر لمحہ جوان ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورتی سے نقیب اجلاس جناب قیصر خالص صاحب قبلہ نے اس کاروہ کو آگے بڑھایا اور آپ کو جگائے رکھا اور وہ بھی پورے جوش کے ساتھ مجھ سے قبل آپ نے ایک شاندار تقریر سماعت فرمائی اور غالباً اس سے پہلے صالح مجید انہوں نے بھی تقریر فرمائی ہوگی دو تین تقریر ہیں مجھ سے پہلے مقبول صالح کو مولانا ظاہر ہاں میں بھی لگاتار میرا خیال یہ کہ یہ 26ویں یا 27ویں تقریر ہے ماشاءاللہ ہر شب ایک دو شب جو سفر میں نکل گئی ہو دھیان نہیں ہے پورا ایک مہینہ ہو گیا اس لئے میں نے کہا 26 یا 27 اور دو چار دن جو بچے ہیں مہینے کے وہ سفر کی نظر ہوئے آواز آج متاثر ہے لیکن کوشش کروں گا جس کا ذکر کرنا ہے وہی سمالیں گے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور اشرف ملت شہزادہ شیخ اعظم میرے بارے میں مشہور ہے چاہنے والوں کا بھی شکریہ اور ان کا بھی شکریہ جنہوں نے علی والا کہہ کر مجھے مشہور کر دیا سبحان اللہ کیا کہنا ہے یہ الگ بات ہے کہ الزام لگا کر کیا لیکن شکریہ میں ان کا بھی ادا کرتا ہوں واہ 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 کہ میری جو حقیقت ہے
जितना तेरी समझ में आया तूने बताया। वाह वाह वाह, बात समझ समझ की है। अखाय वाह 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 वाह, चाहने वालों का नजरिया अपना है, बुग्ज़ और नाज़ रखने वालों का नजरिया अपना है, और मेरा खुद का अपना है। तो मैं अपनी बात आपको बता दूं, फिर आपसे पूछूंगा। मेरा मूड बनता है, वाह 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 वाह, जब मैं अली अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, इसको इरफा के समंदर को अली कहते हैं, यानी दामादे पैगंबर को अली कहते हैं, नाम सी सुन के लरस जाता है खैबर अभी, हाँ उसी फातहे खैबर को अली कहते हैं। तो मेरा मूड तो बनता है अली अली का। अब आप बताएं आपका मूड कैसे बनता है? वाह वाह वाह, सिर्फ चंद लोगों का पूरा मजमे, पूरे मजमे सर, माशाल्लाह, हाथ उठा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या कहना, मुकद्दर समझ जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अता करना है सर। तो जब आपका भी बनता है मेरा भी बनता है तो फिर बनाया जाए ना। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, मोहब्बत के साथ आपकी समातों के हवाले, जी अताओ, इस उम्मीद के साथ कि आप मोहब्बत से समात करेंगे इंशाल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर छूम कर दुरूद सल्लल्लाहु अला नबी अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम, अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, सुभान अल्लाह, काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, औलादे अली, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी, खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है, बख्शवाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी। पूरे मूड के साथ अब सुन ले, नारे तो हमने 70 साल से एक ही काम किया है, बड़ी मजबूत, सुनिए सुनिए सुनिए, वो है नारा, ठीक है ना, तो आज संजीदगी से सुन लो, क्या कहने बाबा, बाबा बात जब पसंद आए तो सुभान अल्लाह काफी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है ना।
क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो नारों से जोश में आते हैं, मैं अमल से जोश में सुभान अमली जिंदगी अख्तियार करो, जो बात कही जाए उसे गौर से सुनो, यहाँ से लो यहाँ रो, क्या कहना माशाल्लाह, ठीक है ना। और ये भी याद रखना हर चेहरा मेरी नजरों के सामने है, वाह 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 वाह, डंडी नहीं मार पाओगे, इसलिए पूरी तवज्जो इधर, बहुत अच्छे, जो भी मारेगा टोक दूंगा, हाँ पूरी तवज्जो के साथ, ठीक है ना। आपको सुनना है, पसंद आए, सुभान अल्लाह, ठीक है। मेरी पिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरा दिल चीर कर देखो अली के जिक्र से रोशन, मेरा दिल चीर कर देखो अली के जिक्र से रोशन, अली के हर दीवाने को अली के हर दीवाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, दरे है दर से निस्बत है नहीं परवा जमाने की, दरे है दर से निस्बत है नहीं परवा जमाने की, मेरे सारे घराने को मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है, काफी मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, दरे अशराफ से निस्बत है नहीं परवा जमाने की, दरे अशरफ से निस्बत है नहीं परवा जमाने की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तरे अशरफ से निस्बत है नहीं परवा जमाने की, मेरे सारे मुरीदों को सारे मुरीदों को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम
हम काफी है सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। मख्तार माशाल्लाह ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवा नहीं सैयद ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवा नहीं सैयद मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत कलामे हुजूर मुहद्दिस आजम हमने आपको कौसर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है क्या फरमा रहा है बेशक ऐ मेरे हबीब ऐ मेरे प्यारे ऐ मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता किया तमाम ऐमे महक्कीन महद्दिसीन जब कौसर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं खैर कसीर अता किया बेशक और उलमा बैठे हैं तो इनके लिए भी एक जुमला कौसर कसरत के मुबालगे का सेगा है और आपके लिए कौसर कसरत पे कसरत आपकी समझ में आ जाए क्या कह रहा है रब हमने आपको खैर कसीर अता किया कसरत अता किया कौन कह रहा है रब और यही रब अपने कलाम के जरिए अपने हबीब से कहलवा रहा है दोनों बातों को जहन में रखे एक बात क्या है कि हमने आपको कौसर अता किया यानी खैर कसीर अता किया और वही रब कह रहा है ऐ महबूब आप कह दें क्या कह दें कुल मताउ दुनिया रब क्या कह रहा है अपने महबूब से कहने के लिए कह रहा है हमसे आपसे बताने के लिए ऐ महबूब आप कह दे कि दुनिया में जो कुछ भी है ये कलील है वही रब अपने हबीब से कह रहा है बेशक अनडाउटेड कोई शक और शुबा है ही नहीं तू कहे और कोई शक ये किसी भी बात पर जब रब बहुत ज्यादा फोकस करता है तो अंदाजे खिताब जो है इस अंदाज में लाता है ये फोकस हो रब कह रहा खैर कसी कसरा कौसा उसी जानिब रब कह रहा है महबूब बता दे सब बता दे कि दुनिया में जो कुछ भी है कलील है अब मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या आपने इस दुनिया को जान लिया
आसमानों में क्या है जान लिया, जमीनों में क्या है जान लिया, समुंदर में क्या है जान लिया, दुनिया के अंदर। अरे भाई ये मत करो, ये इस अंदाज में नहीं बोल पाता, ये इंटरटेनमेंट की महफिल नहीं, मनोरंजन की। खामोशी से बैठिए एक ही जगह पर, जब नहीं सुनना हो तो उठ के जा सकते हैं। दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सलाम नबी के रसूल अल्लाह। जिसे रब ने कलील कहा, क्या आपने उसे जान लिया है? दुनिया में फूलों की किस्में कितनी है जान लिया? दुनिया में पौधों की किस्में कितनी है जान लिया? दुनिया में कितने चरिंद हैं, परिंद हैं, कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं, गजा कैसे मिलती है, किन किन हालात में है जान लिया? समुंदर में क्या क्या है जान लिया? जिसका ताल्लुक किल्लत से है दोस्त तुम उसे नहीं जान सके, तो जिसका ताल्लुक कसरत से है उसे क्या जानोगे? उसे क्या जानोगे? जो कुछ भी आ जाए एक ही काम करो, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या हसन, लबैक या हुसैन, लबैक या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बकरातियों से काम नहीं चलेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा जी। बकराती करके निकल जाओ और काम निकाल लो, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बहुत उम्दा पैगाम हुआ। जब तक मेरे जिस्म में सांसों का रिश्ता बाकी है नहीं होने दूंगा, क्या कहने हजरत, नहीं होने दूंगा। और शहादत ये आरजू है, सुभान अल्लाह, और ये आरजू हमारी विरासत की है, हक है, हक है, सतन है। लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों ने इससे अपने आप को जुदा कर लिया, तभी कहते हैं कि नबी की आल बाकी है। करबला जब आएगी तो नबी की आल बाकी, और आप क्या करेंगे, तमाशा देखेंगे? तो थोड़े से अशार में तब्दीली, क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा कहा, वाह वाह वाह, अशार में थोड़ी सी तब्दीली, वाह 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 वाह, कि खाली नबी की आल ही क्यों, आप क्यों नहीं होंगे? तो करबला में नबी की आल भी थी और हजरत हुर भी थे, तो कम से कम इधर से भी लीजिए ना कि जैसे करबला में हजरत हुर थे, आप भी तो तमन्ना करो कि अगर फिर करबला बपा होती है तो हम भी हुर के मानिन आले नबी के साथ हों। हक है, वाह 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 वाह, हक है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो मुकम्मल होगी, वरना तो यही होगा, वरना यही होगा कि हजरत इमाम अली रजा शोहरत हुई, बहुत शोहरत हुई, वक्त की हुकूमत से वाबिस था, डर गया कहीं मेरी हुकूमत न चली जाए, तो पूछा गया भाई क्या किया जाए, कहीं इन्होंने ऐलान कर दिया तो हुकूमत गई, और गासिब हमेशा डरा रहता है जाने, इस बात को गांठ बांध लो, सबसे हासिल की हुई चीज जो गासिब होगा पूरी जिंदगी डरेगा, और सिर्फ वही नहीं नस्लें डरती रहेंगी। जब असल वारिस जब भी सामने आएगा वो क्लेम करे या ना करे, डर उसका बाकी होगा, गासिब रहेगा। चलिए तो डर गए, डर गए, डर गए, क्या करे, कहीं ऐसा ना हो ऐलान कर दे, कहा भाई क्या किया जाए, कहीं छुटकारा हासिल किया जाए, कहीं फिर कहीं जैसे पहले जहर दिया था इनको भी दे दिया जाए। किसी भी अइमे अहले बैत की मौत नेचुरल नहीं हुई, तारीख है, जहर दिया गया ये तारीख है, ये आप लोग सुनते नहीं हो, अब मौका मिलेगा सुनने का, जी सुनते रहेंगे।
तारीख का वो बाब बिल्कुल ही जो जुज़्वे ईमान है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत जुज़्वे ईमान है, तारीख पर्दे खफा में है, तारीख पर्दे खफा में है, जानना जरूरी है। तो साहब ये हुआ कि चले ये फार्मूला थोड़ा पुराना हो गया है, बार 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 हुआ है तो शक आएगा हुकूमत पर, कहीं ऐसा ना हो कि इस वाकये के बाद लोग बगावत कर रहे, कुछ नया फार्मूला सोचो। अब सारे मुशीर काल लग गए नए नए फार्मूले इसमें। इमाम अली रजा वो हैं जिनके कदमों में बैठकर हजरत मारूफ करखी तमाम रुए जमीन के औलिया के ताजदार बन गए। ऐसा टच दे दूं क्योंकि वलियों की बात ज्यादा समझ में आती है और अहले बैत के ताल्लुक से बड़ी गलत फहमी है लोगों जी, तो चलो इस रास्ते से भी समझा दूं। हजरत मारूफ करखी जो औलिया कराम के ताजदार हैं, गौसे आजम के पीरों में है, वह है मारूफ करखी जो हजरत इमाम अली रजा के कदमों। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, सारी नेमतें वहीं से ली। बरादरान मिल्लत इस्लामी का नया फार्मूला, कहने कौन सा फार्मूला, कहने ऐसा करिए हजरत आली जहा आलम पना अफ्रीका से शेर मंगो, इसलिए कि इमाम अली रजा नसब बताने में माहिर है, इस इल्म में यकता है, वो नसब बता देते हैं बिल्कुल एक्यूरेट। तो बहाना ये किया जाए कि चूंकि नसब बताते हैं तो अफ्रीका के शेर मंगाए जाएं और उन्हें 10 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाए और नसब बताने के बहाने शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए, भूखा प्यासा रहेगा, चीर फाड़ देगा तो हादसा हो जाएगा, छुटकारा भी मिल जाएगा और हम बदनाम भी नहीं होंगे। हाकिम वक्त की समझ में आ गया कि ये फार्मूला ठीक है, जहर तो बहुत दे लिया हम लोगों ने, ये वाला नया फार्मूला अपनाया था, अपना लिया साहब, अब हो गई सारी फिक्सिंग, हो गई, मंगवा लिया गया, भूखा प्यासा रखा गया, दो पिंजड़े बनाए गए, एक खाली और एक में 10 शेर रख दिए गए। उसके बाद हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में ये बात कही गई कि हमने 10 शेर मंगवाए अफ्रीका के हुजूर, चलकर देख ले वो सही है, सब उनका सही है, प्योर है, प्योर है, ठीक है, हम तो नबी के घर वाले कभी दावत को ठुकराते ही नहीं, अब दावत दे के चाहे शहीद कर दो तो चाहे सर पे बैठा दो, जी तुम्हारी है, हम दावतों को कबूल करते हैं। हमसे कोई भी कहे कि हजरत ये मुनाफिक है मत जाइए, ठीक है ये उसका कैरेक्टर है, मैं अपना कैरेक्टर कैसे, अल्लाह क्या कहना, तो अपना कैरेक्टर नहीं बाबा, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आया नहीं, जो जिम्मेदारी घर से मिली है उसे पूरा करना है, ये नहीं देखना है कि कौन क्या नीयत से करता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया बुलाया गए, अब साथ में सारे हाकिम भी मौजूद हैं, अब जब पिंजरे में जाने की बात ले आए तो सब किनारे हो गए, जिसने मशवरा दिया था उसको ऊंचाई पर बैठ गया, जो पिंजरा खाली था जब इमाम अली रजा के लिए उस पिंजरे को खोला गया कि हुजूर जाएं और देख लें, तो फरमाया आओ तुम भी आओ, कह नहीं हुजूर ये तो काम आपका है, इसीलिए मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि फिर करबला हो और आप कहें हुजूर ये तो काम आपका है। तो कह के सब किनारे हो गए, दरवाजा बंद कर दिया गया और खोल दिया गया पिंजरे का दरवाजा, वो जिसमें भूखे प्यासे शेर थे। अब सामने एक इंसान, 10 दरिंदे, दरिंदे की निगाह पड़ी इमाम अली रजा पर, खड़ा हुआ, पूंछ को जमीन पर रगड़ा, घुर्राया और जंप लगाया, सीधा इमाम अली रजा के कदमों में, सुभानअल्लाह 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 सुभानअल्लाह, जबान से कदमों को चटने लगा, दूसरा जमीन पर पूछ को रगड़ा, खड़ा हुआ, घुर्राया, जंप लगाया कदमों में, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, सब कदमों
सब कदमों में आने से पहले ही ऐलान कर रहे हैं, इमाम पहचान लिया है हमने, इमाम पहचान लिया है हमने, इसलिए